हेलो स्टूडेंट, मैं पॉलिटिकल साइंस आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैं मीनाक्षी मृणाल कुमार। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण तथा इनकी समस्याएं। इस पर हम लोगों ने पहले क्लास में देखा कि किस तरह से हमारी स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में राष्ट्र निर्माण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में तीन सबसे प्रमुख चुनौतियां जो थी वो था भारत को एक सूत्र में पिरोना, यानी भारत की एकता और अखंडता। दूसरा था भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्धारित करना। तीसरी बात थी हमारे जन कल्याण के लिए, हमारे जन समुदाय के लिए, हमारे सभी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देना। ये तीनों बातें जो थी ये सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में हमारे सामने आई थी। इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। उसके पश्चात क्या था कि हमारे भारत को स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो चुका था। भारत का विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग राज्य बन गए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हुआ। हमारे भारत में ब्रिटिश भारत का विभाजन ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों में हुआ था, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे वो सरकार के नियंत्रण में थे, और दूसरी तरफ कई छोटे बड़े प्रदेश ऐसे जो थे वो शासकों का शासन था, जिन्हें देसी रियासत कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कुछ हद तक उन्हें स्वायत्तता भी मिली हुई थी। वह ब्रिटिश ताज का अधिराजत्व या सर्वोपरि शासन था। ब्रिटिश शासन काल के समय भूमि का एक तिहाई हिस्सा इन राज्यों के नियंत्रण में था। इसके बाद देसी रियासतों का एकीकरण जो था वह स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि किस तरह से, यानी हमारे स्वतंत्रता के बाद, यानी ब्रिटिश भारत छोड़कर जब चले गए तो 565 देसी रियासतों का अधिग्रहण जो था वो खुद ब खुद समाप्त हो गया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी रियासत थे या ऐसे क्षेत्र थे या ऐसे राजाओं का शासन था जहां पर उन लोगों ने भारत में अपना विलय करने के तहत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से ये भारत में अपना विलय कर पाए थे। इसमें कौन कौन से थे? इनमें था हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़, मणिपुर और काश्मीर। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे थे, जैसे गोवा था, दादर नगर हवेली थी। तो इन सभी चीजों को, इन सभी राज्यों को, रियासतों को भारत में विलय करना, तभी हम एक सूत्र में बांध सकते थे, हमारा भारत मजबूत हो सकता था। क्योंकि हम लोगों ने भारत की आजादी से पूर्व ही इन बातों को समझ लिया था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम जो थे इनको पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ यही दो को मानते थे, यानी इसलिए वो कह रहे, उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर रियासत भी बहुत सारी थी। तो अगर हम इनको अपने भारत के अंतर्गत विलय नहीं करती तो शायद ये भी अलग अलग राज्य की मांग कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये भी सामने आई थी कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हो। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए हम लोगों ने ये देखा कि स्वतंत्रता के भारत ने पहली महत्वपूर्ण चुनौती का सामना तो किया, शाही और दूसरे रियासतों का एकीकरण करना। फिर इसमें सरदार पटेल बहुत ही हमारे कहिए कि बहुत ही जुझारू और
अच्छे नेता रहे, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने भारत के विदेश विभाग सचिव के साथ रियासतों के साथ समझौते किए और इन समझौतों के आधार पर हमने ये देखा कि हम इन सभी रियासतों को अपने भारत में मिला पाने में बहुत कहिए कि हमारी कोशिश जो थी वो कामयाब रही। वो कैसे था? क्योंकि जो इसमें क्या था कि सभी देशी रियासतों की कुछ न कुछ समस्याएं थी, सभी को लग रहा था कि कुछ समय मिल जाए, या फिर अगर ज्यादा समय मिलने पर ये भी था कि इनकी मनसा जो थी वो क्या है वो सामने उभर कर आ रही थी। तो इसमें क्या था कि जैसे हैदराबाद के निजाम थे, ये जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर के राजा ने तो कुछ समय की मोहलत मांगी थी अपने राज्य को किसी भी क्षेत्र में मिलाने के लिए, लेकिन और भी जो हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के राजा थे, इन लोगों का मानना था कि कश्मीर में तुरंत ही हमला हो चुका था, वहां पर कश्मीर को लेने के लिए, हड़पने के लिए पाकिस्तान की ही ये बात थी। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो था वो कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करता रहा, एकदम बिगनिंग डे से ही। मैंने भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत पाकिस्तान अलग हो गए, इसके शुरू से ही ये हमेशा इसकी कोशिश रही कि कश्मीर में ज्यादा करके मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान में पाकिस्तान का ही क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन चूंकि वहां के राजा उस समय थे और वहां के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से भी कुछ दिनों की यहाँ के लिए मोहलत मांगी थी, चूंकि हमारे जो हमारे अंग्रेज थे, ये जब भारत ब्रिटिश भारत को जब सौंप दिया अपनी शासन सत्ता, उसके पश्चात उसने इस बात को रखा था कि भारत के रियासत जो हैं या इनके राजा जो हैं, ये या तो भारत में मिल जाएंगे या पाकिस्तान में अपना विलय कर लेंगे या फिर वो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करेंगे। तो ये चार पांच जो थे हमारे राज्य ऐसे थे जो जिनमें राजाओं का शासन था अभी, तो इनकी मनसा को देखते हुए पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि कश्मीर भी जो है वो भारत में मिल जाएगा। और इसी बीच उसने क्या किया कि अपने सेना को या अपने लोगों को वहां पर भेज करके वहां पर काफी परेशान करने की कोशिश की वहां के लोगों को। राजा हरि सिंह पर उसने हमला बोल दिया और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी बात को रखी कि उसने तीन बातों को मानना था यहाँ पर। ये क्या मानना था? या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, ये उसकी अपनी स्वेच्छा थी, या तीसरी बात क्या थी कि वो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दे। लेकिन कश्मीर के राजा ने कुछ समय की मोहलत मांगी थी कि वो सोचकर अपना निर्णय इस विषय पर लेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के लोगों ने उस पर हमला बोल दिया तो ये क्या किया, यहाँ के राजा जो थे हरि सिंह, ये भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने भी अपनी बात को रखी कि आप अपने क्षेत्र को अगर भारत में मिलाते हैं तो हमारी ओर से आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने तुरंत भारत के हस्ताक्षर के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया और अपने कश्मीर को भारत में मिला दिया। और इसके पश्चात, इसके बाद हमारी सेना, भारतीय सेना जो थी, उस पाकिस्तानियों से जमकर मुकाबला किया और उनकी करारी हार हुई। तो यहाँ पर कश्मीर उसी समय भारत में मिल गया, यानी कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। इसी तरह से हैदराबाद के निजाम क्या थे, वो देख रहे थे कि कश्मीर जिस तरह से समय लिया, तो उसने भी बोला कि सोचकर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से उसने मिल करके
बहुत सारी बातों को ऐसा रखने की कोशिश की कि वो अपना क्षेत्र बना ले। लेकिन चूंकि आप हैदराबाद देखेंगे तो भारत की चारों ओर से घिरा हुआ बीच में हैदराबाद आ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम उसको अपना राज्य बनाने को दे दें तो आखिर हमारी हमारा क्षेत्र का क्या हो सकता था। तो यहाँ पर हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हालांकि ये भी बहुत कड़क और अक्कड़ तरह के यहाँ के ये राजा थे, निजाम थे, वहां के राजा को निजाम बोला जाता है, इन्होंने ऐसी बातें जब भारत सरकार ने रखी क्योंकि समझौते पर उसने अपनी बात को रखा था, और इस समझौते के पूर्व हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से 1947 में एक ठोस समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने उसके साथ मिलकर के किया, और ये ठोस समझौता ये था कि आपको अब ये जो क्षेत्र है, हैदराबाद का जो क्षेत्र है, ये भारत में विलय करना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसलिए कई बार इस समझौते को उसने तोड़ा भी, और इसके लिए उसने कई बार इसको तोड़ भी दिया क्योंकि उसको अपना हैदराबाद अलग चाहिए था, अपना अपने तरह की शासन सत्ता चाहिए थी। तो उसने क्या किया कि वहां पर रहने वाले भारतीयों के साथ बहुत जबरदस्ती की, उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, यानी वहां की उस समय भारतीय महिलाओं के साथ बहुत सारे ज्यादतियां की गई, जबरदस्ती की गई। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हैदराबाद के निजाम जो थे भारतीय लोगों के लिए अपने अर्ध बल सैनिकों को भेजा। ये अर्ध बल सैनिक क्या थे, उनके राजकाज के कर्मचारी थे जो कि जरूरत पड़ने पर ये सेनाओं जैसा भी काम करते थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान की सहायता से स्वतंत्र मुस्लिम प्रांत की ये स्थापना करना चाहते थे। तो इस समय ये सब चीजों के बाद उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर भारत ज्यादा हम मुझे परेशान करेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को बर्बाद कर देंगे या उनको मारेंगे या उनकी हत्या करवा देंगे। तो ये सब एक धमकी थी उनकी। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि बहुत हो चुका था, निजाम ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में उसके बाद हथियार भी लेना शुरू कर दिया था, यानी हैदराबाद को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा था। इसके पश्चात हमारी सरकार भी अब चुप नहीं बैठती क्योंकि ये सब उसके उनके बर्दाश्त से बाहर की बात अब हो रही थी। तो 13 सितंबर 1948 को, यानी 13 सितंबर 1948 को ये कार्यवाही की गई, और 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हैदराबाद भारत से जुड़ गया। तो ये सभी चीजों को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद हमारे राज्यों का भारत में, हमारी देसी रियासतों का भारत में विलय हो पाया था। इसी तरह से मणिपुर थे, जूनागढ़ थी, पांडिचेरी थी। ये तो कहिए कि अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि गोवा जो थी उसका 30 मई 1987 को पूर्ण रूप से उसको राज्य का दर्जा मिल पाया था, यानी सबसे बाद में ही उसने अपना उसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये सारे रियासत थे, इनको भारत में विलय करने के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे भारत के राज्यों का बंटवारा किया जाए। अब ये भी था कि राज्यों के बंटवारा के तहत हम लोगों ने ये भी देखा था कि पहले बात जो रखी गई थी वो क्या था कि भारत को भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाएगा। उस समय की बात ये थी कि ठीक है, जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग हैं उसके आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में इस चीज को, चूंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे इसी जाति बिरादरी भाषा को लेकर के, तो
भारत सरकार को कहीं ना कहीं चिंता भी थी और एक ये भी डर लग रहा था कि अगर हम उनको सबको भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर सब राज्यों को अलग करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि ये भी अपनी अलग अलग राज्य का राज्य के लिए बात को रखे। तो इन सभी चीजों को, भाषावाद को रोकने के बहुत सारे उपाय को लेकर के इस पर तुरंत पहल नहीं किया गया था। यानी ये बात सबसे बड़ी यही थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अलग हुआ था तो हमारे सामने एक परिणाम आया हुआ था कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर किस तरह से राज्य अपनी अलग होने की बात को कर सकता है। तो यहां पर हम भाषा को लेकर के विवाद हर जगह व्याप्त था। 1966 में पंजाबी सूबे की मांग थी कि पंजाब का, पंजाब अलग कर दिया जाए। फिर सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा भाषी के लोगों ने इस बात पर अपना जोर दिया कि हमारे आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए भाषा के आधार पर। इसको लेकर के बहुत सारी कहिए कि मांगे रखी गई, बहुत सारी हड़तालें की गई, बहुत सारे मांग को रखा गया। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आखिर अंततः उनको आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना दिया गया था। तो ये पहला राज्य था जो 1953 में हमारे भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया गया था। तो अब इस आधार पर कहीं ना कहीं तो बात और भी आगे बढ़ेगी। तो ये चीज जो जहां पर थी, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखते हुए ये कहा कि भारत के पुनर्गठन के आधार पर भाषा भी एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। यानी 1966 में पंजाब फिर बात आ गई, पंजाब लोग जो थे, इनके पंजाब के लोग, पंजाबी भाषा भाषी के लोग जो थे वो बात कर रहे थे। फिर पंजाब के ही पहाड़ी भाषा के क्षेत्र के बाद हिमाचल प्रदेश बना। फिर 72 महत्वपूर्ण पुनर्गठन हुआ और 72 मेघालय को असम से काट लिया गया। यानी लोग भाषा के आधार पर अपनी क्षेत्र का, अपनी राज्य की का मांग की मांग को रखते चले गए। तो हर क्षेत्र में प्रभावी सामाजिक समूहों ने भाषा को राज्य रेखा खींचने का आधार बना लिया था। यानी भाषा को एक आधार बना लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया जाए। इसी तरह से नागालैंड था, 63 में यह अस्तित्व में आया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुसंख्यक समूह होने के नाते राजनीतिक शक्ति और अर्थव्यवस्था की उन्नति में बोलबाला होने की आशा थी। भाषा के आधार पर निर्मित होने के बावजूद करीब करीब हर भाषाई लोग जो थे ये क्या थे, अल्पसंख्यक। यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा ज्यादा बोली जाती है उसके अलावा भी उस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे भारतीय हैं, बहुत अलग भाषा ही बोलने वाले हैं, तो क्या ये अल्पसंख्यक है? यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश को ही ले लीजिए, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो क्या वहां पर दूसरी भाषा भाषी के लोग अल्पसंख्यक है? तो ऐसी व्यवस्था हर राज्य में तो है ना। तो राष्ट्र, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्र निर्माण के रास्ते में एक रुकावट पैदा करती है। राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है जहां पर हमारी सभी जनजीवन, सभी जनों को, पूरे भारतीयों को एकजुट होकर के अपना, अपने देश के लिए काम करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम भाषा ही पेच में पढ़ करके रह गए हैं। तो ये आज भी ये सब मुद्दा है, आज भी ये खत्म नहीं हुआ है। हम यहाँ पर अगर रिसेंट देखें तो 2000 में हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये बना। तो ये क्या थी, निर्माण ने इस बिंदु को साबित कर दिया था, बंटवारे की मांग अभी खत्म नहीं हुई है। यानी भाषा एक ऐसी, या हमारी संस्कृति, हमारी अपनी कल्चर, अपना अपने क्षेत्र की हर कहिए कि उत्सव, ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं आज भी अपने क्षेत्र को, अपने भाषा को, अपने तरह के लोगों को लेकर के अपने राज्य का निर्माण की बात करती है।
जिस तरह से हम देखते हैं कि तेलंगाना भी बहुत दिनों से इस बात पर ये भी थी, तो इस तरह से हमारे भारत भी आज तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारे भारत में क्या हुआ, सन 2013 में तेलंगाना मंत्रिमंडल तेलंगाना राज्य का निर्माण पर सहमत हुई और 2014 में राज्य बनने की अधिसूचना जारी कर दी और ये भारत का 29वां राज्य हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को लेकर के समस्याएं भी थी, लेकिन इनको धीरे धीरे करके समाप्त भी किया गया, इनको हमारे देश में अमन चैन और शांति के लिए एक रास्ता यही है कि सबको एक साथ लेकर के चलना है और सभी राज्य की जो मांगे हैं या हमारे हम आगे और भी पढ़ेंगे या पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे संविधान के तहत हमारे देश का सभी नागरिक एक समान है, जो कि हमारा तीसरा मुद्दा था। ये तीसरा तीसरी चुनौती ये थी कि हमारे सारे जनजीवन को, सारे जाति बिरादरी लोगों को, भारतीय लोगों को एक समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सभी व्यक्ति एक समान है, इन्हें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत के में तो हम लोग देख रहे थे कि भारत की राष्ट्र निर्माण के संबंध में हमारी देशी रियासतों को भारत के में विलय करने के लिए कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था और इन चुनौती यही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भाषा के आधार पर जब राज्यों का बंटवारा की बात हमारे आंध्र प्रदेश बना और इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे राज्यों में भी भाषा के आधार पर हमारे राज्यों के लिए अलग राज्य की मांग की जाने लगी और बहुत सारे राज्यों का इस भाषा के आधार पर निर्माण किया भी गया, लेकिन भाषा ही के आधार पर अगर हम लोग इस तरह से अलग कर दें तो कई भी आने वाले समय में हो सकता है कि और परेशानी का भी सबब मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाषावाद को रोकने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। अब ये भाषावाद को रोकने के लिए क्या है, हमारे भारत के ऐतिहासिक तथ्यों का आंकड़ा इस बात को स्पष्ट करती है कि राजभाषा और संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी देशों हमारे देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं सभी को मान्य हो, और ये थी एक राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी को एक ऐसा भाषा रखा गया जो हमारे भारत की भाषा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे अहिंदी भाषी प्रदेशों को इन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि हिंदी भाषी लोग जो थे वो अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को समझना भी चाहिए, साथ ही दोनों ही पक्षों को भाषाई उग्रता से बचना चाहिए, यानी भाषा को लेकर के हम एकदम एक दूसरे को अलग नहीं समझे। हमारी इसलिए राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी को रख गई कि हिंदी की भी जानकारी हमारे हर क्षेत्र में हर राज्यों में भी होनी चाहिए। फिर है राज्य स्तर के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा को भी बनाना चाहिए और प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है कि भाषा एक सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस रचनात्मक कार्य भी करने चाहिए, यानी इसके लिए सरल हिंदी भाषा में मूल पुस्तकें होनी चाहिए, पुस्तकों का अनुवाद किया जाए, कम से कम मूल्यों पर पुस्तकों की बिक्री हो। तो इस सब ये भी बहुत बड़ा हमारे भाषावाद को रोकने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम किया जाए परंतु उसे पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो ये एक इंटरनेशनल पूरे
अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाती है, तो फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तो हो लेकिन इतना भी उसको बढ़ावा ना नहीं दिया जाए। फिर है त्रिभाषी सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाए, शैक्षणिक टूर, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम, फिर भारतीय भाषाओं की निकटता स्थापित की जाए, भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनने से रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में ये सब भाषावाद को रोकने के कुछ उपाय हो तो हो सकता है कि हमारे राज्य भाषा को ज़्यादा अहमियत दी जाए और जिन राज्यों में जहाँ पर अहिंदी भाषी लोग हैं उनको भी हिंदी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र निर्माण में कुछ बाधक तत्व भी हैं। वो बाधक तत्व क्या क्या है? एक तो हो जाता है क्षेत्रवाद, दूसरा है जातिवाद, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि तीसरी बात जो हो जाती है वो है आर्थिक असमानता। यानी राजनीतिक बातें जो है वो हमारे कुछ वर्गों के लिए है लेकिन सभी वर्ग के लोग इसका फायदा या लाभ नहीं उठा पाते हैं। फिर है धार्मिक भिन्नता, लोग अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने, ये भी एक राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर भिन्नता भी जो होता है वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधक तत्व हैं। फिर विदेशी प्रभाव के आधार पर भी हम देखते हैं कि कुछ विदेशी धर्म जो हैं वो हमारे भारत पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, अपने धर्म के प्रति आसक्त करना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व के रूप में सामने आते हैं। तो आज के लिए हम ये हमारा चैप्टर जो है ये समाप्त है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर आपको कहीं पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग फिर से देखेंगे इसको या फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय निर्माण तथा इनकी समस्याएं जो थी ये हम लोगों ने आज ख़त्म किया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ओके?